बच्चों आपको हम रीजनिंग में आज मेरा पहला डे है। रीजनिंग का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डाइस, जिसे पासा कहते हैं। देखिए, जो पासा होता है इसमें क्या होती है, सतह होते हैं और क्या होता है, किनारा होता है। देखिए, जो डाई होता है उसमें क्या होती है, सतह, और क्या होता है, किनारा। और क्या होता है, सतह, किनारा और शीर्ष होता है। ये तीन चीज होते हैं डाई में। सतह है मतलब तीन सतह क्या होती है, दिखाई देती है, तीन सतह नहीं दिखाई देती है। डाइज में क्या होता है, तीन सतह दिखाई देती है और तीन सतह दिखाई देती है। ऐसे मतलब तीन सतह दिखाई दे रही, तीन सतह नहीं दिखाई देंगी। टोटल कितने होते हैं सतह, छह होते हैं। फिर किनारा, किनारा मतलब ये सब क्या है, ये सब किनारे हैं। तो कितने किनारा होते हैं, किनारा कितना होते हैं, 12 होते हैं। शीर्ष देखिए, शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। डाइस का क्या है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। और हम लोग को सिर्फ पढ़ना है डाइस में सतह, सिर्फ सतह से क्वेश्चन आते हैं डाइस में। और वह सतह है दो, मतलब सतह एक क्या होती है, तीन दिखाई, मतलब तीन सतह क्या होती है, दिखाई देती है और तीन नहीं दिखाई देती है। सतह छह होती है, तीन नहीं दिखाई देती है। तो तीन नहीं दिखाई देती, इसके बारे में हमें क्या होता है, पढ़ना होता है डाइज में। ये क्वेश्चन पूछता है तो हम चलते हैं पढ़ते हैं इसको। इसका बेसिक है, सतह कितनी होती है डाइज में, छह होती है। किनारा कितना होता है, 12 होता है। किनारा कितना होता है, 12 होता है। फिर शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये क्या था, डाइस में पता होना चाहिए आपको। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं डाइस क्या प्रकार होती है। डाइस दो प्रकार होती है। पहला टाइप है डाइस का साधारण पासा, और दूसरा है मानक पासा। मानक पासा देखिए, साधारण पासा को इंग्लिश में कहते हैं जनरल डाइस, मानक को स्टैंडर्ड डाइस। दो विपरीत सतहों का योग जोड़ने पर सात ना हो तो उसे कहते हैं साधारण पासा। दो विपरीत सतहों के जोड़ने पर सात ना प्राप्त हो उसे साधारण पासा कहते हैं। दो विपरीत सतहों को जोड़ने पर सात प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। जैसे देखिए, हम एक कह रहे यहाँ एक है तो क्या आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। सात, दो विपरीत सतह जोड़ने क्या आ रहा है, सात आ रहा है। यहाँ दो है तो क्या आएगा, पांच। यहाँ तीन है तो क्या आएगा, चार। मतलब दो सतहों को जोड़ने में क्या आना चाहिए, सात आएगा। तो कौन डाइज हो रहा है, मानक पासा। और जिसे जोड़ने पर सात प्राप्त ना हो, जैसे यहाँ एक के विपरीत क्या आ गया, चार आ गया, दो के विपरीत छह आ गया। मतलब ये सब जोड़ने पे क्या है, सात प्राप्त ना है, नहीं हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद में बता रहा हूँ कि कितने टाइप में पढ़ा जाएगा, बस उतार लीजिए आप लोग। हो गया होगा। चलिए, अब हम इसको क्लीन करते हैं। तो हम लोग डाइस को पढ़ेंगे पांच टाइप में। तो आज हम आपको पहला टाइप बताएंगे और ऐसे हम 4 दिन में या 5 दिन में आराम से खत्म कर दिया जाएगा इस लेसन को। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला, मतलब पहला टाइप रहेगा, पहला टाइप यह होगा जब केवल
है, वासन इसी को पढ़ेंगे और इसका विधिवत अध्ययन करेंगे, इसके बाद कोई क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं, देखिए क्या होता है। चलिए जैसे हो गया, ऐसे एक दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इसमें पूछ लेगा कि सी का विपरीत, सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, ऐसा पूछ लेगा। तो देखिए सी का विपरीत क्या होगा, ऐसे सवाल आएंगे। तो इसमें जब केवल एक स्थिति दी जाए तो इसमें इसका हल करने का एक ही तरीका है जो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब क्या क्या पूछ रहा है, सी का विपरीत, तो इसको हम ऐसे हल करेंगे ए बी सी, क्योंकि फिर इसका टोटल क्या हो, जो दिखाई नहीं दे रहा है, तीन दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन दिखाई नहीं दे रहा है, डी ई और एफ। तो अगर केवल एक स्थिति दी जाती है, अगर पूछा जाए ए का विपरीत क्या होगा तो ये तीनों होंगे, बी का विपरीत तीनों होंगे, सी का विपरीत तीनों होंगे। अगर पूछा जाए सिर्फ एक स्थिति दी जाए तब, अगर ऐसा केस आएगा तब, अगर इसमें पूछा जाए डी का विपरीत ए बी सी, ई का विपरीत ए बी सी, एफ का विपरीत ए बी सी, तो ऐसे इसमें क्या पूछ रहा है, सी का विपरीत, तो सी का विपरीत हम बता सकते हैं, सी का विपरीत क्या होगा, डी ई और एफ। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, ओके थैंक्स। अब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। इसे दे देगा जैसे इसमें दे देगा एक दो पांच, तो पूछ लेगा कि पांच का विपरीत क्या होगा, पांच का विपरीत क्या होगा, तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आएगा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, मात्र आपको यही करना है कि एक या दो या पांच, इसका विपरीत जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तीन चार और छह, तो एक का विपरीत तीन चार छह, दो का विपरीत तीन चार छह, पांच का विपरीत तीन चार छह, तीन का विपरीत पांच दो एक, चार का विपरीत पांच दो एक, छह का विपरीत पांच दो एक, तो पूछ रहा है पांच का विपरीत, तो आप कहेंगे पांच का विपरीत क्या होगा, तीन चार और छह। अगर ऐसा केस आएगा तो सवाल आप ऐसे हल करेंगे। इतनी समझ में आया, अब इसका हम एक क्वेश्चन लिख के इसमें जो टाइप बनेगा, इसमें जो टाइप क्वेश्चन आएगा ऑप्शन कैसा देगा, तो उसे आपको हम बता रहे हैं। अब बच्चों हम अभी मतलब क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, इस टाइप से जो मैं टाइप आपको पढ़ाया हूँ, जब केवल एक स्थिति दी जाए इस टाइप में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको एक ही क्वेश्चन से बता दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन खत्म, इससे बाद भी इस क्वेश्चन से कुछ आएगा ही नहीं। चलिए जब इसमें एक एक सिर्फ क्या नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है, जब केवल एक ही स्थिति नजर आ रही है तो देखिए क्या है, एक दो तीन, एक दो तीन है, फिर छह होते हैं टोटल ने, तो क्या बच गया, चार पांच छह बच गया। तो इसमें पूछ रहा है एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का मतलब एक का विपरीत चार पांच छह, दो का विपरीत चार पांच छह, इसमें अगर इसमें से कोई भी पूछेगा टोटल ए होगा, कोई फिक्स नहीं है, इसमें पूछेगा विपरीत तो टोटल ए सब होंगे, तो एक का विपरीत क्या होगा, चार पांच छह टोटल ए होंगे। तो पहला ऑप्शन आते हैं, एक क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आते हैं, एक का विपरीत क्या होगा, चार पांच छह, ये नजर होगा, चार चार
नहीं मतलब दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है, कंफ्यूज, लेकिन ये चार पांच छह मिल रहा है, इसका मतलब ये सही हो गया। पहले ऑप्शन का बहुत इजी है, इस समय आ गया। दूसरा देखिए, पहला मतलब पहले ऑप्शन का मतलब पहला ऑप्शन ऐसे नजर आएगा तो आप इसको एक करेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरे में क्या करेंगे आप, दूसरे में एक का विपरीत पूछ रहा है, तो चार भी है, पांच भी है, छह भी है, यहाँ भी चार पांच भी छह है, लेकिन तीनों एक साथ नजर नहीं है। यहाँ क्या दिया है, सी एन डी, पता नहीं लगा सकते, सी एन डी मतलब, तो आप इसको टच करेंगे, सी एन डी को टच करेंगे। फिर जो तीसरा ऑप्शन यह है पूरा, तो इसमें भी नजर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एक का विपरीत क्या पूछ रहा है, दो तीन नहीं हो सकता, दो चार हो ही नहीं सकता, तीन पांच हो ही नहीं सकता, पांच हो सकता है बट तीन नहीं हो सकता, लेकिन चार पांच हो सकते हैं, इसलिए ये भी सही। इतनी तीन क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। और चौथा देखिए क्या है, चार पांच छह दो नहीं हो सकता, चार पांच छह हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं। अब कंफ्यूज हो गए, अब आसमान आप एग्जाम्पल दे दिया, आप भी कंफ्यूज हो गए, आप क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक ही सिस्टम है, आप क्या मान लेंगे इसको, मानक पासा। क्या मान लेंगे, मानक पासा। तो एक का विपरीत पूछ रहा है तो क्या ऑप्शन छह होगा, मानक पासा सिस्टम होता है, दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है, सात होता है, तो एक का विपरीत क्या जाएगा, छह हो जाएगा, छह अच्छा एक साथ हो गया, मानक पासा के हिसाब से हल करेंगे। और आज आपका बच्चों पहला टाइप समाप्त होता है। आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा ओके बाय।